रमजान मुबारक का तीसरा अशरा ढलान पर है। तीसरे अशरे की 27वीं शब को शब ए कद्र के रूप में मनाया जाता है। इसी मुकद्दस रात में कुरान भी मुकम्मल हुआ। रमजान के तीसरे अशरे की 5 पाक रातों में शब ए कद्र को तलाश किया जाता है। ये रात है 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात। 27वीं शब को कसरावत की सभी मस्जिदों में जहाँ तरवीह की नमाज अदा की गई, वहाँ कुरान हाफिजों का सम्मान किया गया। साथ ही सभी मस्जिदों में नमाज अदा कराने वाले इमाम साहेबान का भी मस्जिद कमेटियों की तरफ से इनाम इकराम देकर इस्तकबाल भी किया गया। शबे कद्र को रात भर इबादत के साथ मुसलमान भाइयों द्वारा अपने रिश्तेदारों, अजीजों, अकारीब की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़कर उनकी मगफिरत के लिए दुआएं भी मांगी गई। इस रात में अल्लाह की इबादत करने वाले मोमिन के दर्जे बुलंद होते हैं, गुनाह बख्श दिए जाते हैं, दोजख की आग से निजात मिलती है। वैसे तो पूरे माह रमजान में बरकतों और रहमतों की बारिश होती है, मगर इस रात का विशेष दर्जा माना गया है। कसरावत में भी 27वीं शब के लिए मस्जिद को रोशनी से सजाया गया। विभिन्न कमेटियों द्वारा रोजा इफ्तार एवं शहरी के इंतजाम किए गए। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। इस्लाम में रमजान और रमजान में 27वीं शब का जो महत्व है, आज की रात क्या क्या किया जाता है, मुसलमान क्यों इतने खुश होते हैं? दरअसल ये बहुत ही बाबरकत और अजमत वाली रात है, और वैसे तो हर रात इबादत की जाती है और करना चाहिए, और रब को सजदा करना चाहिए कि उसी ने सब कुछ अता किया है। लेकिन इस रात में खासकर इबादत की जाती है क्योंकि इसी रात में अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया और कुरान करीम उतरा है। इसमें ख़ास इबादतें की जाती है, नमाज़ें पढ़ी जाती है, अल्लाह का जिक्र खैर किया जाता है, और बिलखसूस इस रात में दुआएँ की जाती है अपने लिए, अपने अहले ख़ानदान के लिए जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए अमन व अमान मांगा जाता है। क्यों? इसलिए कि ये वो रात है कि जिसमें दुआएं मांगने से दुआएं ज़्यादातर कबूल होती है कि, और इसी रात में दुआएं जब मांगी जाती है तो अल्लाह की एक और मखलूक है जिन्हें फरिश्ता कहा जाता है, जो इस्लामी तसव्वुर है उसके मुताबिक, तो फरिश्ते इस रात में दुआएं मांगने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। तो इसका बड़ा अहमियत है और इसका बड़ा मकाम हैगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रात आज से नहीं 1400 साल से इसी अंदाज में इबादत करते हुए मनाई जा रही है, क्योंकि इसकी बड़ी फजीलत है खुद पैगंबर इंसानियत और पैगंबर इस्लाम ने बयान फरमाई है। अल्लाह ताला जो है कि हमें खूब खूब इस रात के सदक़े और तुफेल दोनों जहान में बरकत देता है। रमजान महीना चल रहा है, इसका आखिरी असरा चल रहा है, शबे कद्र का 27वां रात रहेगी, क्या फजीलत रहेगी इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27वीं शब कदर यानी कि रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने की सबसे अफजल रात है। आज आज की रात की फजीलतें बहुत सारी हैं, जिसके ताल्लुक से हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि आज की रात बख्शिश का ज़रिया है मुसलमानों के लिए। अगर बंदे मोमिन अपनी उम्री कज़ाएँ, नवाफिल वगैरह, तस्बीह वगैरह, सलातु तस्बीह नमाज अगर पढ़ता है, सच्चे दिल से अपने रब को याद करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश फरमाता है और रमज़ान के मुबारक अशरे के सदक़े में उसकी बख्शिश फरमाता है। इसमें आखिरी अशरे में 10 दिन के लिए एहतिकाफ़ पे बिठाया था, क्या फजीलत रहती है उसकी? एहतिकाफ़ की फजीलत ये रहती हैं कि अगर कोई एक शख्स एक महल्ले से बैठता है तो वो एक महल्ले के एहतिकाफ़ यानी कि उसमें सारे महल्ले वाले आ जाते हैं, और अगर कोई दो शख्स बैठ रहा है या तीन शख्स बैठ रहा है या ज़्यादा जायद में बैठ रहा है तो ये पूरे गांव का एहतिकाफ़ अदा करते हैं और पूरे उम्मते मुहम्मदिया के लिए बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं, देश के हित में दुआएं करते हैं, और जो आज माहौल देश का ख़राब है उसके हित में दुआएं करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।